गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों 2020 की किस तरह 12 बजे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नई चीजें, कुछ नई एक्साइटमेंट है जो आज मेरे चेहरे पे ब्लशिंग बन के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने गिम्बल खरीदा था, क्योंकि मैं शुरू में मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की तरह मैंने भी अपने फ़ोन से ही शूट किया करता था, लेकिन आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्टेबलाइजर, यू नो, मुझे स्टेबलाइज फुटेज बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ज़ियोन का ये स्मूथ 4 खरीदा था, ये इस तरह हो जाता है, हो जा भाई। तो इससे मैं पहले शूट किया करता था, काफ़ी अच्छी फुटेजेस थी उसमें भी। आप अगर मेरे शुरू के वीडियोस देखेंगे तो सारे मैंने इसी से शूट किए हैं, काफ़ी अच्छा मतलब इसका रिस्पांस रहा। उसके बाद 2019 में मैंने गोप्रो खरीदा था, यह है मेरा प्यारा सा गोप्रो। इसने एक्चुअली में यार मेरे यूट्यूब चैनल को एक अलग ही लेवल पे ला दिया था, बिकॉज क्या प्यारी फुटेजेस बनती है इसके अंदर। जो वाइड एंगल, जो स्पेशली मुझे जो इसके अंदर पसंद है ना, वो है सुपर वाइड एंगल जो आता है ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। लेकिन भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और सज्जनों, अब है 2020 और अब समय आ गया है कि अपग्रेड किया जाए वापस। 6 महीने से कहीं गए नहीं है यार, बहुत पैसे सेव कर लिए, अब आया है समय खर्चा करने का। थोड़ा सा अपने ब्लॉगिंग सेटअप को अपग्रेड करने की कोशिश की है मैंने, कोशिश किया मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यह है दोस्तों मेरा 2020 का ब्लॉगिंग सेटअप, देख रहे हो। यह है जोबी का गोरिल्ला पॉड, कैनन का M50 मिररलेस कैमरा है, रॉड का माइक है, और अब इसके तो मैंने काफ़ी अच्छे वीडियोस देखे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी देखे। तो अब अंगार लगाएंगे 2020 में, अगर सब कोरोना सही हो गया जल्दी, बिकॉज अभी भी केसेस कंट्रोल में तो नहीं है। हालांकि अधिकतर जगह पे खुल चुका है सब कुछ, हिमाचल में भी मेरे कुछ जानने वाले हैं, उत्तराखंड में भी कई लोग जा रहे हैं, मुंबई से भी लोग जा रहे हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस अब बहुत ज़्यादा है। अब पहले की तरह आप जो खुले मन से घूमते थे ना, अब वैसा माहौल नहीं रहा है। जगह जगह पे आपको हो सकता है कि स्क्रीनिंग के लिए रोक ले, या आपसे कोई नेगेटिव रिपोर्ट ही मांग लेगा, है ना, या फिर आपको ई पास तो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। और सुनने में ये भी आया है गुड न्यूज़ कि October 1st से ये सारी जो रिस्ट्रिक्शन है ये बंद होने वाली है। तो भाई ऐसा हो जाए तो मज़े आ जाए यार, फिर हम भी कहीं निकलेंगे पहाड़ों में बाहर। तो दोस्तों मैं जब भी कोई चीज़ खरीदने की सोचता हूँ या खरीदना चाहता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं करता हूँ R&D, रिसर्च कर लेता हूँ कि उसके बारे में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। बिकॉज इफ़ यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इसमें लगभग 80,000 रुपये मैं स्पेंड कर चुका हूँ, और ये मेरे लिए, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है, इट्स अ ह्यूज मनी फॉर मी। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने ये देखा कि अधिकतर व्लॉगर्स की ये पहली पसंद है M50, लेकिन इसके साथ जो किट लेंस आती है ना, वो मुझे यू नो सो लगी, इसलिए मैंने इसके लिए Nifty 50, जो इस नाम से भी जानी जाती है, 50mm की लेंस है, वो मैंने मंगवाई है, ताकि मैं कुछ सिनेमैटिक अंगार लगा सकूँ, यू नो। और देखते हैं, अभी तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, नया नया कैमरा चलाने की मुझे हैबिट नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट कंटेंट। और इसके साथ क्रिमल भैया ने मुझे एक नसीहत दी थी, क्रिमल भाई, आई नो यू वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो, और क्रिमल भाई ने बोला था भाई जब इतना खर्चा कर रहे हो तो एक बैग ले लो यार। तो मैंने ये बैग लिया है लोप्रो का, देख रहे हो, इसके अंदर काफ़ी कंफर्टेबली सारी चीज़ें रह जाती है, मेरी कैमरा से लेकर सारे एक्सेसरीज तक, ये मेरा गोप्रो का केस रह गया, बाकी जितनी भी एक्सेसरीज है ये सारी एक ही, मतलब ये मेरा कैमरा बैग पूरा अलग ही हो गया। तो थैंक यू भाई क्रिमल, थैंक्स फॉर योर सजेशन। दोस्तों अगर आप भी एक ब्लॉगर हो या आप अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेरी नसीहत, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही स्टार्ट करें, जिस तरह मैंने किया था। धीरे धीरे एनहांस कीजिए अपनी स्किल्स को, अपनी शूटिंग स्किल्स को, थोड़ा सा सिनेमैटिक लेने का ट्राई कीजिए, और यू नो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें कितना एक्सपर्ट हूँ, कितना पायनियर हूँ।
बिकॉज देखिए कोई भी एक्सपर्ट और पायनियर जन्म से तो नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको लगने लगेगा कि हाँ आप, अगर मैंने इतना अच्छा फुटेज ले रहा हूँ मोबाइल फोन से तो नाउ आई एम वर्थ कि मैं ये GoPro खरीद सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट आप DSLR बिगनर लेवल का ले सकते हो जिस तरह मैंने लिया है। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया यार, क्या मतलब पूरा अभी प्रोफेशनल सेटअप हो गया बॉस अपना, अब आएगा मजा ब्लॉगिंग करने का। तो भाई वो खर्चा पानी किया है आपके लिए किया है, और जितना मेरे लिए उतना आपके लिए भी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊं, इस कैमरे के बारे में और इसकी जो टॉप 5 एक्सेसरीज है जो मुझे नेसेसरी लगती है व्हेन यू बाय दिस कैनन M50, तो आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए और मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों दुआ कीजिए कि ये कोरोना नाम की बीमारी जल्दी से खत्म हो और हम इस कैमरे से अंगार लगाए अपने चैनल पे आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाए। तो दोस्तों इतना ही था इस आज वाली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगला वीडियो होगा शूट मेरे DSLR से। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पीस।